वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा मार्च महीने में जिनका जन्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी चर्चा जो है वो मार्च महीने के अपने दोस्तों के लिए है कि जिन मेरे दोस्तों का जन्म मार्च महीने को हुआ है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, उनके लिए विशेष ये मैंने वीडियो तैयार की है मार्च महीने के अपने दोस्तों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मार्च महीने के पैदा हुए सभी दोस्तों में एक खास बात होती है कि यदि इन्हें एहसास हो जाए कि उन पर विश्वास किया जा रहा है या उन्हें ये हो विश्वास कि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, फिर ये अपने मित्रों और अपने उस कार्य के प्रति भारी निष्ठा का परिचय देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ स्वभाव होता है मेरे मार्च महीने के दोस्तों का और सभी जिम्मेवारी के पदों पर आम तौर पर मार्च महीने के मेरे सभी दोस्त सफल भी होते हैं। और अपनी राय देने से पहले ये देखते हैं कि सामने वाले को उनकी राय की जरूरत है। यदि सामने वाला उनसे राय पूछता है तभी वो वहाँ अपनी राय रखते हैं। ऐसे होते हैं मार्च महीने के मेरे सभी दोस्त। कानून और व्यवस्था का पूरा सम्मान करने वाले और अपने क्षेत्र की परंपराओं को मानने वाले ऐसे होते हैं मार्च महीने के मेरे सभी दोस्त। दोस्तों यहाँ मैं एक बात की चर्चा और कर दूं, सबसे सुंदर चरित्र और सबसे दुर्बल चरित्र वो भी इन्हीं इसी महीने के मेरे दोस्तों में देखा जाता है। सबसे अच्छे चरित्रवान होंगे या फिर बहुत दुर्बल चरित्र के स्वामी मार्च महीने के मेरे दोस्त, इन्हें मैं ये चरित्र के दृष्टिकोण से दो वर्गों में रखना चाहूँगा। एक वो मेरे मित्र जो चरित्र के रूप से बहुत दृढ़वान और सुंदर, और दूसरे दुर्बल चरित्र के। जी हाँ दोस्तों, इन दो वर्गों में मैं मार्च के महीने में पैदा हुए लोगों को रखूँगा। जो दूसरा वर्ग है जो कि जिसका चरित्र ये दुर्बल है, ऐसे लोग भावनाओं में बहकर और भोग विलासता पूर्ण मार्ग को अपना लेते हैं, वातावरण के दास हो जाते हैं और जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के दास हो जाते हैं और झूठे मित्रों के चक्कर में फंसकर मादक द्रव्यों या शराब के पूरी तरह आदि हो जाते हैं। दुर्बल चरित्र के मार्च महीने के मेरे दोस्त। दरअसल इस महीने में जन्म लेने वाले मैं दोस्तों को द्विस्वभावी कहूँगा। जी हाँ दोस्तों, द्विस्वभाव, दो तरह का स्वभाव इनका। जीवन में कोई लक्ष्य मिल जाए तो अवसर के अनुकूल अपने को ढाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी तो वे अपने स्वभाव में अकस्मात ऐसा परिवर्तन करते हैं कि इनके मित्र भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक क्षण में ही अपनी सभी दुर्बलताओं को उतार फेंक देते हैं और आत्म संयम की सभी सीमा, किसी भी सीमा तक ये उठ जाते हैं। ऐसे होते हैं मार्च महीने के, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि मार्च महीने में पैदा हुए मेरे दोस्त किस मार्ग को जीवन में अपनाते हैं। मार्च महीने में पैदा हुए मेरे सभी दोस्त प्राय समुद्र की यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं और परिस्थितियां उन्हें इसका इजाजत दें तो फिर वो समुद्र यात्रा की ओर जाते भी हैं और अपना घर समुद्र तट के निकट या किसी झील या नदी के किनारे बनाना पसंद करते हैं मार्च महीने के मेरे सभी दोस्त। माल की ढुलाई और आयात निर्यात जैसे कामों में वो अच्छी सफलता पाते हैं मेरे मार्च महीने के, मैं सभी दोस्तों की बात कर रहा हूँ। मार्च महीने के मेरे दोस्तों में कुछ आध्यात्मिक और व्यावहारिक पुट भी होता है। जी हाँ दोस्तों,
आध्यात्म का भी इनके स्वभाव में कुछ न कुछ आपको हमें देखने को मिलता है और काफ़ी हद तक ये व्यवहारिक भी होते हैं। कई बार इस महीने में पैदा हुए लोगों को लोग अंधविश्वासी भी समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कि मार्च महीने के पैदा हुए दोस्त आध्यात्मिकता के अति तक पहुंचकर अपने आप को अंधविश्वासियों की श्रेणी में भी ला खड़ा करते हैं। दार्शनिक और रहस्य की खोज करना उन्हें पसंद होता है। प्राकृतिक से वो बहुत प्रेम करते हैं, चित्त से उदार, लेकिन एक भय उन्हें हमेशा सताता है, गरीबी का भय। जी हाँ दोस्तों, मार्च महीने में पैदा हुए मेरे सभी दोस्तों को मन में गरीबी का एक अज्ञात भय का डर बना रहता है। इसलिए वो कभी कभी किसी के प्रति यदि उदार होते भी हैं तो सामने वाले पात्र को देखकर उदार होते हैं। ऐसा कुछ स्वभाव होता है मार्च महीने में पैदा लिए हुए मेरे दोस्तों का। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मार्च महीने में पैदा लिए हुए मेरे दोस्तों के लिए रुपये पैसे का कोई मूल्य भी नहीं होता। वो पैसे को लक्ष्य पूर्ति का साधन से अधिक कुछ नहीं समझते। ऐसी भी सोच रखने वाले मार्च महीने के मेरे दोस्त। चर्चा मैं करूँ मार्च महीने के अपने दोस्तों के स्वास्थ्य की, तो दोस्तों स्वास्थ्य की चिंता मैं इन्हें ये कहूँगा, जब ये चिंतित रहते हैं या निराशपूर्ण अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति का प्रभाव इनके शरीर के ऊपर पूरा पड़ता है, तो अत्यधिक चिंता से जन्म निराशा का कुप्रभाव इनके पाचन अंगों पर बहुत बुरी तरह पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नर्वस सिस्टम भी इनका ब्रेक होता है, तो कई बार इनको पैरालाइज का शिकायत भी हो जाती है। लंग्स इनके कमज़ोर हो जाते हैं, टीबी जैसे रोग भी इनको होने की संभावना बनी रहती है। तो ये अपने आप को प्रसन्नचित रखें, चिंता से अपने आप को दूर रखें, निराशा से अपने आप को दूर रखें, नहीं तो इन बीमारियों का सामना जीवन में इन्हें, जिनका मैंने नाम लिया उसका इन्हें सामना जीवन में करना पड़ता है मेरे मार्च महीने के दोस्तों को। बात करूं आर्थिक स्थिति की इनकी, तो इनके जीवन में सफलता आर्थिक रूप से मिल तो सकती है, लेकिन भविष्य के ये सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि मार्च महीने के जितने मेरे ये दोस्त हैं वो अगर प्रयास को पूरा करें, लगन से करें, तब तो वो जीवन में सफलता को पाते हैं। लेकिन प्राय लगन और प्रयासों का अभाव होता है मार्च महीने के मेरे दोस्तों में, तो धन की दृष्टि से मैं इन्हें एक चंचल व्यक्ति कहूँगा, जो ये पूरा फोकस नहीं कर पाते। तो अगर इनकी महत्वाकांक्षा एक बार जाग जाए तब तो ये बहुत सा जीवन में धन एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन लगन प्रयासों में अगर अभाव रहा तो फिर धन के मामले में उतार चढ़ाव का खतरा मार्च महीने के मेरे दोस्तों में बना रहता है। और मार्च महीने के दोस्तों में यदि एक बार लगन पैदा हो गई तो फिर ऐसा कोई पद नहीं जिसे ये नहीं पा सकते, और जीवन में बहुत बड़े बड़े सुअवसर इनको मिलते हैं धन प्राप्ति के। तो सिर्फ अपने लगन को और प्रयासों को कभी कभी कमज़ोर ना पड़ने दें मार्च महीने के मेरे सभी दोस्त। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।